कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् नाम संकीर्तनायश्च सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणाम दुख शमनम् तं नमामि हरि परम् आजानुलम्बित भुजो कनकावदातो यज्ञे संकीर्तने पितरो कमलायताक्ष विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो हम भगवान के पवित्र नाम की महिमा का श्रवण कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु वो ही भगवान के पवित्र नाम का जीवों के उद्धार के लिए गोलोक से प्रेम धन जो इनाम संकीर्तन है उनको लेकर आए। चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले जब आए हरिनाम का प्रचार करने के लिए, युग धर्म का प्रचार करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई करश ग्र पावे कृष्ण चरण। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन युग धर्म है और जो वैष्णव सेवा है वो वैष्णव सेवा वैष्णव की कृपा से और जो नाम है उसमें रुचि आए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन दुई करे शीघ्र पावे
श्री कृष्ण चलाना। तो चैतन्य महाप्रभु ने नाम का प्रचार के साथ साथ विष्णु सेवा, विष्णु संग की बहुत सारी महात्म महिमा को कहा है। हमारे इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ज्यादातर तात्पर्यों में वैष्णव संघ की चर्चा करते हैं, क्योंकि वैष्णव संघ के द्वारा ही भगवान के नाम में भगवान की भक्ति ने उनको रुचिया है। चैतन्य महाप्रभु कहते कि जो व्यक्ति के मुख से अहर्निश भगवान का नाम उच्चारण होता है तो वैष्णव श्रेष्ठ है, क्योंकि जो व्यक्ति निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण करता है निश्चित उन पर विष्णु और भगवान की कृपा। हरिदास ठाकुर 24 घंटे में से 22 घंटे भगवान का नाम जप करते। भगवान चैतन्य इतने प्रसन्न हो गए, मुसलमान कुल में जन्मे हुए हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य बना दिया, नाम का आचार्य बना दिया, क्योंकि कृष्ण नाम निरंतर यहार वदने। जो व्यक्ति कृष्ण नाम, जिनके वदन मतलब जिनके जीवा पर मुख पर निरंतर भगवान का नाम आता है, से वैष्णव श्रेष्ठ भजता हर चरण, वैष्णव श्रेष्ठ है, उनके चरणों का भजन करना चाहिए। क्योंकि भक्तिवनम ठाकुर ने हमने देखा कहते कि इस ब्रह्मांड में नाम के बिना और कुछ नहीं है, सर्वोच्च कोई चीज है तो है नाम। और जब कोई व्यक्ति कृष्ण नाम का निरंतर उच्चारण करता है ना, तो कहते हो श्रेष्ठ वैष्णव है, भजता हर चरण, उसका सेवा करना चाहिए, उसका भजन करना चाहिए भक्त, क्योंकि उनकी कृपा के द्वारा जो उसमें गुण है वो गुण आप में आ जाए। एक तो निश्चित है कि आप जिसका चिंतन करते हो तो उनका गुण आप में आना निश्चित। इससे हमारे प्रभुपाद जी कहते कि भौतिक संसार में लोग रहते हैं, खाते पीते सोते टहलते कार्य करते करते वो चिंतन करते, किस चीज का चिंतन करते हैं? भौतिक वस्तु का। कोई ऐसे व्यक्ति का चिंतन करें जो बहुत पैसा वाला है, मैं भी पैसे वाला हो जाऊं, कैसे ने किया है, तो उनका चिंतन करते रहे। हो सकता है कि वो पैसे वाला न हो लेकिन उनके गुण उसमें आ जाएंगे। जैसा हम जिसका चिंतन करते हैं उनके गुण हमें निश्चित आते हैं। इससे हमें जीवन में इसका चिंतन करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको भगवान कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करने से जो भगवान का नाम मधुर लेना जो भी है वो दिव्य है। और जब भगवान का हम कृष्ण का चिंतन करते हैं तो वो भी हमें प्रवेश करते हैं, और उससे बड़ी श्रेष्ठता सिद्धि क्या हो सकती है? तो प्रभुपाद जी का कहना रहता है कि वैष्णव है, भगवान है, गुरु है, उनका चिंतन करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। इसे तो कहते ना कि भाई गुरु का यशस्त्री संध्या, गुरु का जब ब्राह्मण दीक्षित होता है तीन बार दिन में तीन बार गुरु को याद करता है। तो वैसे हमें भी गुरु को, वैष्णव को, भगवान का स्मरण करना चाहिए। जिसका स्मरण करोगे ऐसे गुण हमें आ जाएंगे। इसे चैतन्य महाप्रभु कहते कृष्ण नाम निरंतर यहाँ रूपन सही वैष्णव श्रेष्ठ भज तहार चरण, वो वैष्णव श्रेष्ठ है। अगर आप में भी रुचि चाहिए आपको हरि नाम में, हरि कथा में रुचि चाहिए, भक्ति में रुचि चाहिए आपको, तो क्या करना पड़ेगा? जिस व्यक्ति को इन नाम कथा में भक्ति में रुचि है, और तो ऐसे वैष्णव को आपको चरण में उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका चिंतन करना चाहिए, तो धीरे धीरे आप में भी वो गुण। तो चैतन्य महाप्रभु नाम की महिमा बताते हुए कहते हैं नाम संकीर्तन जो है वो व्यक्ति अगर जपता है तो कहते शीघ्र पावे श्री कृष्ण। आज हमारे शर गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के 6 पार्षद रूप सनातन
रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, जीव गोस्वामी और छठे हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी का आशीर्वाद जिस गोपाल भट्ट गोस्वामी ने आप वृंदावन जाओगे तो राधा रमन जी को प्रकट किया। इतनी तीव्र भक्ति थी गोपाल भट्ट गोस्वामी में कि गोपाल भट्ट गोस्वामी शालिग्राम की सेवा करते। देखो भक्तों, ये जो गोपाल भट्ट के साथ गोपाल भट्ट ने जो इच्छा कर भगवान ने पूरी किया तो हम समझ सकते हैं कितनी उत्कृष्ट भक्ति होगी। शालिग्राम की सेवा करते करते विचार करते कि हे प्रभु, अगर आप त्रिभंग ललित मतलब आप विग्रह के रूप में होते तो मैं आपको मुंगट पहनाता, मोर पंख पहनाता, पीतांबर पहनाता, बाजूबंद पहनाता। तो ऐसे विचार कर रहे थे और विचार करते करते गोपाल भट्ट अपनी आंखों से अश्रु धारा बहा रहे थे भगवान के विरह। लेकिन भगवान ने उनकी उत्कृष्ट भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर गोपाल भट्ट गोस्वामी के सामने उस शालिग्राम से भगवान प्रकट हुए। तो आप जब भी राधा रमन जाए वृंदावन में आप देखना, बहुत छोटा विग्रह है भगवान का। कोई कोई तो वहां दूरबीन लेके जाते हैं और देखते हैं भगवान, बहुत एकदम छोटा विग्रह, लेकिन इतना सुंदर है कि भक्त तो वहां जाकर कई देर तक भगवान को निरखते रहते हैं। बहुत सुंदर है विग्रह भगवान। तो जो भगवान का मतलब भगवान राधा रमन जी है, राधा रमन जी को किसी ने बनाया नहीं है, एक छोटे से शालिग्राम से गोपाल भट्ट गोस्वामी के शरद गोस्वामी से एक। तो उन पर कृपा करने के लिए उनकी भक्ति देखकर वो शालिग्राम से प्रकट। इससे हमें गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा गोस्वामी को प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु आप जिस भाव से भगवान की भक्ति करते थे वही भाव हमें भी प्रकट, और हम भी भगवान की अच्छी तरह से साधना करें, कीर्तन करें, कथा करें और भाव को करें। वो भी आप राधा रमन जी जो है उसके उनके विषय में भक्त गाते हैं, साधु सेवा धर्म हमारा कामना दुनिया साधु सेवा धर्म हमारा कामना तू दुनियादारी ठाकुर हमारो रमन बिहारी हम है रमन बिहारी के हम है रमन बिहारी। जो राधा जी को आनंद देते थे वो राधा रमन जी के प्रिय भक्त गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव। तो चैतन्य महाप्रभु को हरिनाम की महिमा। आज हम श्रवण करेंगे हरिनाम अपराध के विषय। हम सात दिन से श्रवण करते हरिनाम की महिमा, क्योंकि आज हम श्रवण करेंगे भगवान नाम अपराध। नाम अपराध होता है, नाम अपराध क्या, कौन से नाम अपराध है, नाम अपराध होता है उसका निराकरण वाद्य करेंगे। जो नाम अपराध होता है तो उनका निराकरण क्या है। नाम अपराध पाप ताप से भी बहुत बड़े अपराध है भगवान का नाम अपराध, तो उसका निराकरण कैसे हो वो भी हम आगे श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर वर्णन होते हैं उसमें। आज हम थोड़ा नाम अपराध के विषय में थोड़ा श्रवण। हम जब जप करते भगवान का तो निम्न कोटि का जो जप है एकदम थर्ड क्लास जप, और जब कौन सा है तो यहाँ भक्तिवन ठाकुर कहते हैं कि 10 नाम अपराधों में कोई ना कोई अपराध हमसे होता है। तो अगर 10 नाम अपराधों से कौन से है ये हम श्रवण करेंगे आगे जाके। तो जो व्यक्ति 10 नाम अपराध सहित कोई भी एक अपराध होता ही है और अपराध के साथ जप करता है वो थर्ड क्लास का जप है। इसी यहाँ भक्तिवन ठाकुर कहते हैं हमको, जब कोई व्यक्ति अपराध के द्वारा जप करता है तो निश्चित उसको जो कृष्ण प्रेम है वो असंभव हो जाता है, क्योंकि भगवान नाम के रूप में प्रकट हुए एकदम इजी वे दे दिया इनको, लेकिन भगवान ने कुछ कंडीशन रखा है।
क्योंकि भगवान हमारे सामने ऐसे प्रकट नहीं होंगे जब तक हम भगवान के शरणागत नहीं होंगे। और शरणागत भक्त होता है वो कभी ना अपराध नहीं करता है, मतलब जो शुद्ध भाव से शरणागति ली है भगवान की वो ना अपराध नहीं करता है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में इतना लीन होता है संसार की कोई चीज की परवाह नहीं, उसके मन से जो नाम लेता है वही श्रवण करता है, तो ध्यान पूर्वक नाम लेता है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि जो व्यक्ति 10 नाम अपराध से जप करता रहता है तब तक उनको जो कृष्ण प्रेम है वो असंभव हो जाता है। तो उसका जो निराकरण है, हम नाम अपराध तो करते हैं, हमारे अच्छा भक्ति सिद्धांत महाराज जी कहते हैं कि सभी लोग नाम अपराध करते हैं, समय ही ऐसा है, कलयुग है, किसी का मन शांत नहीं, सब नाम अपराध करते हैं। तो उसका निवारण क्या है वो भी हम आगे जाके पूरा श्रवण करेंगे। लेकिन नाम अपराध के द्वारा क्या क्या होता है आज श्रवण करेंगे। जीव धर्म में भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र निरंतर जपता है वो भौतिक कामना से मुक्त हो जाता है और पूर्ण कृष्ण प्रेम की अवस्था तक पहुंच जाता है। लेकिन और आध्यात्मिक प्रगति वो सुंदर यहाँ शब्द कहते हैं, जो व्यक्ति जप करता है भगवान का, जप करते करते उनको आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है और आध्यात्मिक गुण प्रकट नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ कहते हैं कि व्यक्ति को समझना चाहिए कि उनके 10 नाम अपराध में से कोई अपराध हो गया। क्योंकि हम जप करते हैं तो भगवान के नाम से हमारी आध्यात्मिक उत्थान होता है हमारा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जप करता करता बहुत समय चला गया, आध्यात्मिक उत्थान नहीं दिख रहा है, उसको एहसास नहीं हो रहा है, तो समझना चाहिए कि नाम अपराध कर रहे हैं। हमको न तो नाम को दोष देना चाहिए न किसी और को, हमको क्या समझना चाहिए कि निश्चित हमारे नाम में अपराध हो रहा है। अनेक प्रकार की त्रुटि रहती है नाम अपराध के कारण, इससे हम आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे कहते हैं कि पाप अपराध सभी प्रकारों में जो नाम अपराध है वे भीषण अपराध है। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि नाम अपराध है और भीषण अपराध है। किससे भीषण अपराध है तो कहते हैं दुनिया में जितने पाप है जितने अपराध है उससे भी भीषण अपराध क्या है, हरिनाम। क्योंकि पता चल गया कि हरिनाम के द्वारा हमारा संसार मोचन हो सकता है, पाप ताप भय शोक मोह दूर हो सकता है और हम दिव्य धाम को प्रवेश कर सकते। इतनी महिमा श्रवण करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति नाम जपता जपता अपराध करता है तो बहुत बड़ा अपराध है। तो उसका निवारण भी है, वो भी हमारे आचार्य ने दिया है। लेकिन यहाँ कहते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज कि उसका चलो निवारण भी वो दे देते हैं कि इसका निवारण भगवान का नाम ही है, भगवान का नाम ही है। जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम का अपराध करता है तो क्या करना चाहिए, तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते कि उनको निरंतर भगवान का नाम जपते हुए पछताना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए कि हे प्रभु मुझ पर कृपा करो और कहते कि क्षमा मुझे कीजिए कि मैं आपका नाम अपराध कर रहा हूं। मतलब गिड़गिड़ाते हुए भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए, जप करते हुए पश्चाताप होना चाहिए। क्योंकि पश्चाताप की जो अग्नि होती है, मैं आपको बहुत बार बता चुका, पश्चाताप की जो अग्नि होती है वो बहुत भयंकर। जो हम अग्नि लगती है लकड़ी को जला देता है, अनेक चीज को जला देता है अग्नि, लेकिन वो कुछ नहीं है, ये जो पश्चाताप की अग्नि है बहुत भयंकर रहती है। जब भी कोई व्यक्ति वैष्णव का अपराध करता है तो कहा जाता है कि वैष्णव का अपराध करने से, यहाँ भक्ति सिद्धांत महाराज वही कहते हैं कि भगवान का नाम अपराध करोगे, भगवान का नाम के विषय में अपराध करोगे तो उसका निवारण है निरंतर भगवान का नाम। निरुत्तम दास ठाकुर गाते हैं हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोम स्थाने अपराधे नहीं परित्राण। तोम स्थाने अपराधे ना, जब आपके मतलब आपका अपराध हो प्रभु, हरि स्थाने अपराधे तार हरि नाम, जब आपका अपराध कोई करता है जीव
और वो आपका नाम लेता है तो वो अपराध से मुक्त हो जाता है। तो भक्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, कोई व्यक्ति अगर भगवान के नाम का अपराध करता है और फिर सच्चे दिल से, याद रखना ये शब्द पॉइंट आप समझ लीजिए, सच्चे दिल से अगर कोई पछताता है, पश्चाताप करता है कि भगवान मुझे क्षमा करो, अब मैं अपराध नहीं करूंगा, अपराध नहीं करूंगा, मतलब अपराध करने की भावना नहीं रखूंगा, ध्यान पूर्वक जप करूंगा, लेकिन फिर भी हमारा मन यहाँ तहां चला जाता है, तो निषेध नहीं है, लेकिन फिर भी हमको पश्चाताप ऐसा करना चाहिए भगवान से कि प्रभु अब मैं दूसरी बार ऐसा पाप करने का प्रयत्न नहीं करूंगा, पाप नहीं करूंगा, ऐसा भगवान से प्रार्थना करो। तोमर स्थान अपराध, जैसे भक्तों के अपराध होने के कारण भक्तों के चरणों में जाना पड़ेगा, भक्तों का अपराध को शमन करने के लिए भक्तों की शरण में जाना बहुत आवश्यक है। दुर्वासा मुनि को देखिए, कोई बचा नहीं सका उनको। वैसे यहाँ कहते हैं कि जो भक्त है, भक्त का अपराध करके भक्त के शरण में जाना चाहे, और शरण में जाने से ही हमारा जो अपराध है वो वैष्णव तो क्षमा कर देगा, लेकिन भगवान जो वैष्णव के चरण धुली है वो उनको क्षमा नहीं करते। तो क्या करना चाहिए? तो हमारे आचार्य कहते हैं कि तब उनको गौर निताय के सामने खड़े रहना चाहिए और गौर निताय के सामने प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मुझसे अपराध हो गया है, मैंने वैष्णव की क्षमा याचना कर ली है, कहे प्रभु कृपा करो कि वैष्णव के चरण रज है वो भी मुझे क्षमा कर दे। तो पश्चाताप करते हुए रोते हुए हमको चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि क्षमा कर दो। लेकिन जो व्यक्ति पश्चाताप करता है, क्षमा याचना करता है, क्षमा हो भी जाता है, पर उसके बाद भी अगर वो वापस वही कार्य करता है वैष्णव अपराध, तो उसका कोई उकेल नहीं। तो यहाँ वही कहते हैं कि भगवान के चैतन्य सॉरी इसी भक्ति वेदांत रूपा जी भागवतम के 7:5:23 के तात्पर्य में ये बात लिखते हैं कि भगवान जब भक्तों का अपराध हो जाता है तो भक्तों की शरण में जाना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, गौरांग को प्रार्थना करनी चाहिए और अब नहीं करूंगा ऐसा वचन लेना चाहिए। और जब भगवान के नाम का अपराध होता है तो भगवान का निरंतर नाम लेना चाहिए और उनको भी प्रार्थना करना चाहिए, उसका निवारण हो। लेकिन विस्तार से हम आगे जाके आगे श्रवण करेंगे, जो 10 नाम अपराध है उसके विषय में विस्तार से जो उसका उकेल है, निवारण है, और भगवान के नाम अपराध का निवारण आगे जाके विस्तार से हम श्रवण करेंगे। और भक्ति सिद्धांत महाराज आगे कहते हैं कि भगवान का नाम दिव्य है और जो व्यक्ति भगवान का दिव्य नाम ध्यान पूर्वक जप करता है तो निश्चित आज नहीं तो कल, समय की बात है, धैर्य रखेगा तो उनके अंदर भी भगवान के दिव्य गुण प्रकट हो गए, फिर उनको एहसास होगा दिव्य गुण निश्चित उसमें आएगा, क्योंकि वो किसका चिंतन कर रहा है? भगवान का। तो भगवान के गुण आना निश्चित है, तो भगवान का अंश है। लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज एक शब्द कहते हैं, यदि हमारा मन सच्चा है तो हम भगवान का नाम जपते हैं तो भगवान के दिव्य गुण जो है वो प्रकट हो गया हमें। लेकिन यहाँ कहते हैं कि अगर हमारा मन सच्चा है तो, सच्चे मन से हम अगर भगवान का नाम जप कर रहे तो दिव्य गुण प्रकट होगा, वरना मैं कहता हूं कि 15-20-25 साल चल रहा भक्ति में लेकिन फिर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है और फिर पूछता रहता है कि प्रभु ऐसा क्यों, ऐसा उसका कारण क्या है? जो साधना की विधि होती है वो विधि के अनुसार, जो हमारे आचार्य ने सिखा है, सिखाया है, उस आचार्य के सिखाए अनुसार हम साधन ठीक से नहीं करते, हम यहाँ वहां भटकते, ये करते, अनेक चीज करते हैं, लेकिन वास्तव में जो नाम है उसमें कभी ध्यान नहीं देते। नाम में ध्यान देना चाहिए। श्रवण भी हम क्यों करते? श्रवण इससे करते कि नाम में रुचि आए हमारी, श्रवण करते हैं, हम श्रवण करते हैं ना, तो तुरंत हम भगवान श्रवण करते तो भगवान के विषय में श्रवण करने से भगवान में आसक्ति होती है। जिसको भगवान में आसक्ति होती है, भगवान की कथा में आसक्ति होती है, निश्चित उनको भगवान के नाम में रुचि आती, इसलिए तो हम कथा श्रवण कीर्तन करते हैं। तो यहाँ भक्ति से मार देते हमारे मन को एकदम, हमारा मन सच्चा है तो दिव्य गुण निश्चित प्रकट होगा।
और सच्चे मन से छप्पन चैंटिंग करने बैठे, भगवान का नाम लेना बैठे, हरे कृष्ण महामंत्र ध्यान रूप लेना चाहिए। जब भी हम सुबह जगे और जब भी भगवान का नाम चैंटिंग करना स्टार्ट करें, उसी समय हमको एक याद रखना चाहिए कि हरि नाम, भगवान के नाम के अलावा मुझे दूसरा कोई काम है ही नहीं, मतलब इससे सर्वोच्च दूसरा कोई काम है ही नहीं, यही जीवन का सबसे बड़ा कार्य है जो अभी मैं लेकर बैठा हूं, भगवान का नाम। ये सोचकर, विचार कर जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करने बैठेंगे, आजू बाजू में देखते हैं मोबाइल भी बंद, वो दो घंटे मोबाइल को भी छूना नहीं है, है ना, और मोबाइल को मन में मत लाओ, सोचना है भाई मोबाइल को बोल दो 7 बजे के बाद या 10 बजे के बाद, और जो भी हम श्रवण बोलते हैं वो कान सुनता, अगर हम ऐसा करेंगे ना तो समय नहीं लगेगा हमें सब गुण आने में, और पता चलेगा हमको अंदर से एहसास होगा कि निश्चित अभी मैं भक्ति में प्रगति कर रहा हूं, मुझे आनंद आ रहा है और भक्ति में मेरी प्रगति हो रही है। कोई व्यक्ति कहते हैं प्रभु मैं श्रवण करता मुझे याद नहीं रहता, मुझे श्लोक मैं कंठस्थ करना चाहता हूँ श्लोक मुझे याद नहीं रहता है, मैं जो पढ़ता हूँ तुरंत भूल जाता हूँ, ये होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक जप करना चालू करना, ध्यान पूर्वक जप अगर हो रहा है धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिक ये जो शास्त्र है वो पढ़ते पढ़ते अचानक वो सब कुछ फूल होना चालू हो जाएगा। नाम दिव्य है और दिव्यता हमारे अंदर तुरंत प्रकट होगी, लेकिन उसका कारण क्या है, मेन चीज है भगवान का नाम को ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। दूसरा, जब हम जप करने बैठे सुबह तो कुछ याद नहीं करना है, कोई बात नहीं वो क्या कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं, जब करने बैठे हैं और अगर मान लें पैर दुखते तो खड़े हो जाओ, लेकिन ध्यान कहाँ रहना चाहिए, महामंत्र, चलते चलते जब करते ध्यान हमारा नीचे होना चाहिए, न आजू बाजू, क्योंकि हमारी इंद्रिय हमारी आंख अगर किसी चीज को देखेंगी तो वहां मन चिंतन करेगा और हमारा नाम मुंह से चालू होगा लेकिन ध्यान पूर्वक। तो ये सब विज्ञान है, हमारे आचार्य ने सब कुछ परिपाठी दिया है, दुर्भाग्यवश हम उस पर ध्यान, ज्यादातर लोग क्या करते कर्म प्रधान कर दिया है, भक्ति में कर्म प्रधान कर दिया है, भक्ति में आने के बाद वो क्या करता है मंदिर में ये काम करता है वो काम करता है, सेवा ही है इसमें कोई निषेध नहीं है, बहुत अच्छा है, लेकिन वह वही करता है, वो नाम जप की बात आती है तो जैसे ही नाम जप करने बैठे सो जाता है, नींद आ जाती है, कोई रुचि नहीं है, श्रवण करने में कोई रुचि नहीं है, कर्म प्रधान भक्ति कर दिया है, कर्म प्रधान है भक्ति में आने के बाद हमारा सर्वोच्च काम होना चाहिए हरिनाम संकीर्तन, सेवा भी होनी चाहिए लेकिन हमको बल देना है हरिनाम संकीर्तन, क्योंकि भक्ति में इंद्रियों में शक्ति आध्यात्मिक शक्ति तब आएगी जब हम नाम अच्छी तरह से श्रवण करें, भगवान की कथा का श्रवण करें, उनको मुख्यता देनी चाहिए, सेवा भी करनी है, लेकिन खाली सेवा करते रहे वही सब कुछ छोड़कर तो याद रखना आगे जाके होगा ऐसा हमारे जीवन में कि हम जिस भाव से सेवा करने जाओ भाव ही नहीं रहेगा, सेवा तो करते रहेंगे साथ में बहुत सारे अपराध भी, इसे क्या करना चाहिए नाम में ध्यान देना चाहिए, अगर नाम में रुचि नहीं है नाम में नींद आ रही है तो प्रार्थना करो भगवान को, वैष्णव की सेवा करो, है ना, और भगवान को प्रार्थना करते हुए नाम जपने का प्रयत्न करो, धीरे धीरे वो जो दुर्गुण है वो चला जाएगा। इस तरह से भक्ति सिद्धांत मार्ग हमारे मन को संभालना चाहिए, हम प्रारंभ में अपेक्षा कभी नहीं रख सकते, जब कोई व्यक्ति भक्ति में आते प्रारंभ में कोई अपेक्षा नहीं रख सकता कि मेरा जो नाम जप है वो उचित ढंग से होगा, नहीं होगा शुरुआत में तो होगा ही नहीं, लेकिन जब करते समय जब हम शुरुआत होते हैं तो हमारा उचित ढंग से जप नहीं होता है, जब करते समय अनियंत्रित जो इंद्रिया है परेशान करे, अनियंत्रित मन है इच्छा है वो तुरंत याद आएगी, हमारी इच्छा होगी ये करना है तो नाम जब चालू है इच्छा जो हमारी मन में चालू है कि ये करना है वो करना है वो सब कुछ विचार है, और नियंत्रित इंद्रियों के द्वारा हम यहाँ वहां देखेंगे या कुछ कार्य करने का चाहिए। तुलसीदास महाराज कहते हैं कि हम प्रारंभ में अपेक्षा कभी नहीं कर सकते कि अच्छा हमारा जप होगा, क्योंकि हमारे अनेक जन्मों के अनेक संस्कार है, वो संस्कार सुबह सुबह जो हम जप करते तब तुरंत मतलब हमको परेशान करते। अब देखना हम कोई भी कार्य करते हैं ना दिन में कोई भी कार्य करते तो उसमें इतना प्रॉब्लम्स नहीं करेगा मन जितना प्रॉब्लम जब करते समय करेगा। फिर आप बहुत बार हम सोचते हैं कि अरे जब मैं
जग करना डर तो भी मन मुझे परेशान करते है। मन का काम ही ऐसा है, मन का काम ही है बेटा, तू छोड़ दे सब कुछ और तू मेरी शरण में रह जा, मैं जो बोल तो वही कर। भगवान का नाम लेकर तुझे बदलना नहीं है, मन का काम है। जब दूसरा काम करने लगोगे तो मन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो कोई बात चलते रहो जो भी, लेकिन अब नाम जब करने बैठोगे तो मन इतना प्रॉब्लम करेगा कि न कुछ होगा। लेकिन ध्यान पूर्वक हमको है ना दृढ़ता, हम यतन तस्य दृढ़ता, मन कितना भी बोले उसकी बात, बुद्धि को स्ट्रांग करना है, बुद्धि को स्ट्रांग करना मन को बिठा देना, मन परस्त बुद्धि, बुद्धि में विवेक लाना है कि नहीं मन मुझे बारंबार ऑफिस में ले जा रहा है, बारंबार मुझे वहां ले जा रहे हैं, कहीं नहीं जाना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अभ्यास होना चाहिए। तो ये जो भक्ति सिद्धार्थ महाराज कहते हैं भगवान के नाम में दिव्यता है, वो दिव्यता भक्तों में आ जाएगी अगर मन उसका सही है। इससे हमको प्रैक्टिस करनी है। और नाम अपराध की परिभाषा कहते हो कहते हैं अप मतलब विरुद्ध, अपराध होता है जो अपराध की परिभाषा में कहते हैं, अप मतलब विरुद्ध प्रतिकूल और रद मतलब सफलता। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता हो भगवान का भजन करता है तो उसको क्या मिलेगा, तो कहते विरुद्ध सफलता मिलेगी। भगवान के नाम से सफलता क्या है, आध्यात्मिक प्रेम, कृष्ण प्रेम। और जब कोई व्यक्ति अपराध करेगा तो विपरीत फल मिलेगा, क्या मिलेगा, भौतिक सफलता मिलेगी, मतलब भौतिक कुछ चीज मिलेगी जिसके द्वारा वो फंसेगा। इससे विपरीत ना हो इसे नाम जप करके विचार करना चाहिए कि हम अपराध ना करें। और जो व्यक्ति अपराध करता है, हमारे आचार्य कहते हैं जो व्यक्ति अपराध करता है और नाम करता है भगवान उससे सदा अप्रसन्न रहते। इसे कम से कम हमको ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न भगवान को बहुत प्रिय है, याद रखें जो व्यक्ति प्रयत्न करता है ना वो तो भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए जब भी हम जप करें कम से कम हम प्रयत्न करें कि हमारा मन कहीं ना जाए, ध्यान पूर्वक मैं जप करूं। ये प्रयत्न करोगे ना तो भगवान एक दिन कृपा करेंगे और प्रयत्न को एकदम सफल बनाएंगे। प्रयत्न तो जारी रखना ही पड़ेगा, वरना भगवान जो है वो नाखुश रहते हैं। हमारी और हमारी जब भगवान नाखुश रहते तो आध्यात्मिक जगत में सफलता है, सफलता हमारी पूर्ण नहीं है। और दूसरा एक भाव कहते हैं कि अप मतलब बिना, तो इसके बिना बिना मतलब अप मतलब बिना और राध मतलब कहते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नाम का अपराध करते राधा रानी है उसको अच्छा नहीं लगता, और राधा रानी को अच्छा नहीं लगता है तो राधा रानी के बिना भगवान कभी प्रसन्न। और फिर कहते हैं कि नाम अपराध के परिणाम क्या होते हैं, नाम अपराध हमने किया उसका परिणाम क्या मिलेगा, तो शॉर्ट में चर्चा करते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति नाम अपराध करेगा, नाम अपराध करता हुआ सतत जप करेगा तो क्या होगा, तो कहते हैं कि भक्ति से आकृष्ट होकर व्यक्ति भगवान का नाम चालू किया, कथा श्रवण किया, भक्ति में लगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति नाम अपराध सतत करता हुआ नाम जपेगा तो क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या आएगा, विपरीत परिणाम क्या आएगा, तो कहते हैं कि साधन भक्ति के प्रति उनकी जो रुचि है, उनकी जो आसक्ति है, वो कहते हैं कि खो बैठेगा। तीन भक्ति आते हैं ना, पहले स्टार्टिंग में साधन भक्ति, वैधि, साधन में दो भाग, वैधि भक्ति और आगन। तो पहली साधन भक्ति, उसके बाद भाव भक्ति और उसके बाद प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति। शुरुआत की जो साधन भक्ति है, और शुरुआत में अगर कोई व्यक्ति भगवान का, हमारी शुरुआत ही अभी हम शुरुआत ही है भक्ति, तो हम शुरुआत में अगर भक्ति में अपराध को अपराध करते हैं, ध्यान नहीं देते नाम जप पर, तो क्या होता है, तो कहते साधन भक्ति में जो रुचि है, साधन भक्ति में जो आसक्ति है, वो क्या हो जाएगा, वो खो बैठे, फिर हम भक्तों के संग में भी इनके हो गए। लेकिन जो साधना मतलब साधन भक्ति के जो विधि विधान है उसमें रुचि नहीं रहेंगे, और साधन भक्ति के विधि विधान में रुचि नहीं रहेगी, तो उसका दूसरा स्टेप रागानुगम, रागात्मिका, उसमें कभी नहीं पहुंचे, तो भक्ति में आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं है, वहीं रहेंगे। जैसे हम कोई साइकिल का स्टैंड चढ़ाकर पैदल मार रहे हैं,
तो वही रहेगी, आगे जाएंगे नहीं, वैसे ही हो जाएगा। यहाँ कहते कि हम रुचि खो बैठेंगे, किसमें? साधन भक्ति से रुचि खो बैठेंगे, नाम अपराध सहित सतत हम जप करते। इसे भक्तों ये सुदुर्लभ भक्ति सबको नहीं मिलते, जिसको मिली है बड़ा भाग्यशाली है, सावधानी से इसको ग्रहण करना चाहिए। और कहते हैं और ऐसे व्यक्ति को श्रवण, बहुत सुंदर कहते भक्ति सिंह महाराज, ऐसे व्यक्ति को श्रवण भगवान की कथा के श्रवण, भगवान के नाम का कीर्तन, और कहते कि गुरु सेवा में किसी भी सुख की अनुभूति नहीं होती। वो नाम भी लेगा, कथा भी श्रवण करेगा, गुरु की सेवा भी करेगा, लेकिन वो नाम अपराध करता हुआ करते तो कहते हैं कि वो किसी भी प्रकार का सुख जो गुरु की सेवा करने में दिव्य आनंद है, तो सुख उनको प्राप्त नहीं होगा, उनको एहसास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो नाम के प्रति अपराध। तो यहाँ मतलब यहाँ हमारे आचार्य का मूल कहने का तात्पर्य यही है कि आप नाम जो जप है ना वो मुख्य है, उसको आपको अच्छी तरह से श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा, उससे अपराध हो जाएगा तो बाकी चीज। प्राय हमारे रूपा जी कहते कि जो व्यक्ति बहुत अच्छा कथाकार है, बहुत अच्छा प्रचार कर रहा है, बहुत अच्छी मंदिर की सेवा कर रहा है, वैष्णव सब कुछ कर रहा है, बहुत अच्छा ढंग से कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति ने धीरे धीरे जप करना बंद कर दिया। मान लीजिए सब कुछ बहुत अच्छा कर रहा है, सब उसकी वाह वाह कर रही है, लेकिन उसने नाम जप करना बंद कर दिया। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूपा जी कहते हैं कि उसने मेन स्टार्टर बंद कर दिया। क्या कर दिया है? मेन स्टार्टर बंद कर दिया, धीरे धीरे सब लाइट चली जाए। नाम जप जो है वो बंद हो गया तो धीरे धीरे सब कुछ बंद हो गया। इससे नाम जप करते करते गौण फल ना आए हमारे पास, उसका सावधानी रखना चाहिए, वरना गौण फल मतलब क्या है? मान सम्मान पोजीशन पोस्ट मिलेगा हमको, वाह वाह करेंगे लोग, इसको गौण कहते हैं। गौण मतलब ये सब कुछ चीज आए और उसमें फंस जाएंगे। वैसे जो शुद्ध भक्त होते उसकी वाह वाह होती है, वो कभी मन में लेता नहीं है, लेकिन जब नाम अपराध के द्वारा हम करते हैं ना तो विपरीत परिणाम, वाह वाह जो लोग करते हैं हमारी, तो हम तुरंत मन मिलेंगे वाह वाह मैं तो कुछ विशिष्ट भक्त हूँ, जब ये भाव आ जाएगा निश्चित हमारा पता, तो विपरीत परिणाम तुरंत आना लगता है। और फिर कहते हैं कि श्रवण कीर्तन गुरु की सेवा से उसको जो आनंद आना चाहे वो आनंद कभी नहीं आएगा। और दूसरा कहते हैं इस भक्तों के समाज में उसको अरोचक लगेगा, रोचकता जैसे आनंद आता है वो भक्तों के संग में कीर्तन कथा में कभी नहीं आएगा, अरोचक उसको रुचि नहीं रहेगी भक्तों के संग में, और सोचेगा कब यहां से भाग उतरूं। क्यों? क्योंकि वो जो साधन भक्ति है, नाम है, नाम संकीर्तन में वो अपराध करता है, तो इसका परिणाम है। जिस प्रकार एक उदाहरण देते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज कि जिस प्रकार औषधि ग्रहण, औषधि मतलब दवा औषधि ग्रहण करने से एक रोगी व्यक्ति की शीघ्र ही भोजन करने में जो अरुचित, क्योंकि जब बीमार होता है तो भोजन में उसका मन नहीं लगता, भोजन नहीं कर सकता, अच्छा नहीं लगता, वो नहीं खाता है, लेकिन जैसे ही वो दवा पिएगा मतलब औषधि लेगा तो तुरंत कहते हैं कि भोजन के प्रति पुनः उनकी रुचि जागृत हो जाए, क्योंकि उसका रोग चला गया। तो जो भी है चपाती है सब्जी है दाल है भात है जो भी है उनकी वापस रुच जाएंगी और वापस खाना चालू करेगा। रोग था तो उसको रुचि चली गई थी, जैसे ही दवा के द्वारा रोग ठीक हुआ तो वापस पुनः उनको रुचि आ गई। वैसे ही हमारे आचार्य कहते हैं कि उसी प्रकार सतर्थ कीर्तन करने से एक अपराधी के अपराध क्षमा हो जाएंगे तथा नाम के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी, पुनः जागृत हो जाएगी उनकी रुचि पुनः। जब कोई व्यक्ति सतत कीर्तन करेगा, लेकिन सतत कीर्तन कैसे करना है? तो कहते हैं कि सतत कीर्तन क्षमा भाव से भगवान से प्रार्थना करते हो कि अभी अब मैं क्षमा चाहता हूं कि अब मैं नहीं करूंगा, ऐसे भाव से अगर कोई सतत कीर्तन करता रहता है वही औषधि का सेवन करता है तो उसका परिणाम क्या आएगा? जो रोग हुआ है अपराध का वो रोग मिट जाएगा और उनको पुनः भगवान के नाम में रुचि जागृत हो जाएगी।
नामापराध युक्ताना नामनानि एव हरन्ति अघमा अविशांति परिक्तानि तानि एवार्थकराणि च। नाम से अपराधी धीरे धीरे मुक्त हो जाता है और फिर निरअपराध स्तर में पहुंच जाता है, अंततः जीवन का परम फल वो प्राप्त करता है। जब व्यक्ति इस तरह से भगवान को प्रार्थना करते हुआ और अपनी क्षमा याचना करता हुआ जब नाम करता है तो कहते पद्म पुराण वेद व्यास जी धीरे धीरे उसकी जो रुचि है पुनः नाम में आ जाएगी और निरअपराध के द्वारा वो नाम करता। जो व्यक्ति भक्त अपराध से मुक्त होना चाहता है पर वे असहाय, भक्त अपराध हो या नाम अपराध उससे मुक्त होना चाहता है कोई व्यक्ति, लेकिन वो मुक्त कैसे हो, असहाय है वो कैसे मुक्त हो, तो यहाँ कहते हैं कि अकेले में वो अक्षम है। अकेले अपराध से मुक्त होने में किसी का स्वभाव बन जाता है, किसी वैष्णव को कुछ ना कुछ बोलता रहता है, अपराध करता रहता है, स्वभाव बन गया है नाम और वैष्णव के अपराध प्रति। तो वो नाम और वैष्णव के प्रति जो अपराध है उसको मिटाने के लिए अक्षम है, सक्षम नहीं है, अक्षम है, उससे कुछ नहीं होने वाला है अकेले। क्या करना चाहिए तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं इससे भक्त संग और भक्त की कृपा बहुत अनिवार्य। भक्त के संग में द्वारा जो आपको लगे कि नहीं ये भक्त तो कोई किसी भक्त को पूछे उनका संग करे और उनकी कृपा से उनके आदेश अनुसार जब कार्य करेगा व्यक्ति तो निश्चित वो व्यक्ति अपराधों से मुक्त। उनको पता चलेगा नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे जो वैष्णव है भक्त है उसने मुझे बोला ही नहीं करना, तो उनके आदेश के अनुसार वो मन में रखेगा और फिर वो अपराध नहीं करेगा। इससे हमारे गुरुपाद जी कहते हैं हमारे जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि गुरु होता है, गुरु तो सन्यासी है या पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं, तो हमको साल में एक बार उसका दर्शन होगा। बाकी हमारे साथ कौन रहता है तो कहते हैं कि हमारे साथ वैष्णव रहते हैं या शिक्षा गुरु रहते हैं, उनका संग हमको नित्य करना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको हम निरंतर कुछ ना कुछ आध्यात्मिक डिस्कस, एक व्यक्ति ऐसा हमारे जीवन में होना चाहिए, चाहे शिक्षा गुरु हो चाहे कोई वैष्णव हो, जो भी हमको लगे कि हम कोई भक्ति में प्रगति कराएंगे वो। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप मतलब कोई व्यक्ति कहे कि भाई आप मेरे साथ ही रहो, नहीं, आपको लगता है कि नहीं ये भक्ति में मुझे आगे बढ़ेगा तो उसके साथ रहो, उनके शरणागत रहो, वो जो भी कहे वो कहो करो और आपका जो भी प्रश्न है उनको पूछो। एक व्यक्ति ऐसा हमारे जीवन में होना चाहिए वैष्णव, तब जाके हमारा जो अपराध है निवारण निश्चित होगा उसके उद्देश्य के अनुसार। और नाम अपराध के अब हितकारी फल, नाम अपराध का हितकारी फल क्या है तो कहते हैं कि हरि नाम अपराध के परिणाम से दारुण, वो दारुण है बहुत बहुत कष्टदायक परिणाम, व्यक्ति की प्रगति नहीं होने देता है अपराध। कुछ हितकारी फल भी है इसमें, कहते कि नाम प्रभु अपराधी को वे फल प्रदान करते हैं, नाम प्रभु अपराधी को वे प्रदान फल प्रदान करते हैं। कौन सा फल प्रदान करते हैं उनको तो कहते हैं उनको जो नाम अपराध है, नाम अपराध का फल अच्छा फल, नाम अपराध आप करोगे तो हितकारी फल क्या रहेगा तो कहते जब कोई व्यक्ति नाम जपता है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम, जब भगवान का नाम जपता है और नाम जपते जपते व्यक्ति जिस भौतिक इच्छा की चिंतन करता है ना, बहुत चीजों में चिंतन करते हैं ना, कभी पैसे का चिंतन, कभी जॉब का चिंतन, कभी बिजनेस का चिंतन, अनेक प्रकार के चिंतन होते हैं, तो कहते हैं कि उसको हितकारी फल वो मिलेगा जो भी चिंतन करता करता नाम ले रहा है, क्योंकि नाम दिव्य है। आप कोई भाव से या कुभाव से लोगे उनका फल तो आपको मिलने वाला है, लेकिन आप कुभाव से लोगे मतलब अच्छा भाव नहीं है, आप ध्यान से नहीं ले रहे तो क्या मिलेगा, उसका विपरीत फल। तो आप जो चिंतन करते करते भगवान का नाम ले रहे हो वो आपको मिलेगा और वही विपरीत फल आपको फंसा देगा। तो ये फल आपको मतलब हितकारी फल है, क्योंकि हितकारी हुआ ना, क्योंकि हम भगवान का नाम जपते जपते भगवान के नाम को साइड में छोड़कर हम मन से ऐसा सोचते हैं कि मैं एक चीज के विषय में विचार करूंगा तो हितकारी है मेरे लिए, तो विचार करता है ना व्यक्ति, तो भगवान के नाम को छोड़ दिया, मुख से नाम चालू है मन से छोड़ दिया, और जो चीज इच्छा कर रहा है वही उसको सोचता है
कि यही मेरे लिए हितकारी, तो भगवान वही उनको दे देते, मतलब भौतिक चीज भगवान उनको दे देते। तो गौण फल है ये, भगवान के नाम का गौण फल मिलेगा, जैसा चिंतन करूंगे वैसा भगवान देंगे। से यहाँ सावधानी कहते हैं हमारे आचार्य कि आप क्या करो, सावधानी, सावधानी पूर्वक हरि का नाम जप करो, वरना उसका गौण फल मिल जाएगा तो फंस जाएंगे, अहंकार आएगा, हमारे इंद्रिया भी। फिर जो हरि नाम का अपराध करता है द्वेष भाव से, नाम जप करता है पर कुछ समय बाद वो जो द्वेष भाव है वो चला जाता है। कोई व्यक्ति द्वेष भाव से भले करता होना, उसकी निष्ठा से वो नाम जप करता है कि नहीं मुझे नाम जप करते करते अपराध से बचे, और निष्ठा से करता है ना, तो हमारे भक्ति में ठाकुर कहते कि धीरे धीरे द्वेष भाव से मुक्त हो जाए, और क्या होगा तो कहते सुकृति जागृत होगी, और सुकृति जागृत होने के द्वारा ऐसे साधु का संग हो जाएगा उनको जो शुद्ध भाव से हरि नाम संकीर्तन करता है, और उनके प्रभाव से वो भी शुद्ध नाम का कीर्तन करेगा और अंत में भगवान के प्रेम को प्राप्त होगा। लेकिन हमारी निष्ठा होनी चाहिए, हमारे अंदर से इच्छा होनी चाहिए हम ध्यान रूप नाम जपे। जब भी हम ध्यान कहीं और चला जाते हैं, हमको पता चले कि भाई मैं एक माला में आधी माला मेरा मन कहीं और चला गया था, फिर वो पछतावा होता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान रूप नाम जपना, ऐसा पछतावा पश्चाताप के द्वारा हम जब जप करते आधा माला मैंने कर लिया है मेरा ध्यान नहीं, ऐसा करते डेली हम सावधानी को करने का प्रयत्न कर रहे हैं, कोई किसी का द्वेष करते करते कड़ी है समय आता, अगर निष्ठा अच्छी उससे मुक्त होने का प्रयत्न है हमारा, तो कहते भक्तों ठाकुर के भगवान ऐसी कृपा करेंगे कि जिसकी नाम प्रति रुचि है, भगवान के प्रति प्रेम है, ऐसे भक्तों का उनको संग हो जाएगा, और उनके संग के द्वारा उनकी सेवा के द्वारा नाम में रुचि और कथा में रुचि है। अब 10 नाम अपराध के बारे में बता रहे हैं, तो 10 नाम अपराध भक्ति पद्म पुराण में जो कहा है वो हम श्रवण करेंगे सुबह, जो 10 नाम अपराध। पहला है सताम निंदा नाम परम अपराधम वितनुते यत ख्याति यातम कथम उसहते भूतद विग्रहा। पहला अपराध है जिन भक्तों प्रचार हेतु, जिस भक्तों ने प्रचार हेतु अपना पूर्ण संपूर्ण जीवन भगवत सेवा में समर्पित किया है प्रचार हेतु, ऐसे भक्तों की निंदा करना ना। इसे कहते हैं कि जिन भक्तों ने कर्म ज्ञान धर्म योग तपस्या छोड़ के केवल भगवान की भक्ति अपनाया है और भगवान के नाम का प्रचार कर रहे, भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहे, और ऐसे साधुओं की अगर कोई व्यक्ति निंदा करेगा ना, तो सबसे पहला अपराध है, कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर उसकी निंदा करोगे बहुत बड़ा अपराध है, उसका अपराध दो चीज, एक तो नाम अपराध से भी हो जाएगा और वैष्णव अपराध में भी हो जाएगा। अगर उसका विपरीत कहते, अगर मान लीजिए कि ऐसे भक्त जो प्रचार कर रहे हैं, जो ये कर्म ज्ञान योग को छोड़कर भक्ति को पूर्ण रूप से समर्पित है, अगर ऐसे भक्तों का अपराध नहीं और विपरीत ऐसे भक्तों की अगर सेवा हो गई ना, तो फिर कहने की क्या बात है, तो फिर वो जो नाम अपराध आप करो ना, उसमें विशेष आपको रुचि आ जाए। इसे पहला अपराध है कि ऐसे भक्तों का अपराध नहीं करना, निंदा नहीं करना, जिसने अपना संपूर्ण जीवन भगवत सेवा में समर्पित किया। दूसरा है शिवस्य हि विष्णोरिय इह गुणनामादि सकलम धिया भिन्नम प्रश्येण स खलु हरिनामादि हरम। कहते कि शिव ब्रह्मा, दूसरा है शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान के नाम के समान अथवा से स्वतंत्र समझ, भगवान के नाम के समान भी नहीं है और स्वतंत्र भी नहीं है। एक तो समान क्यों नहीं है, क्योंकि भगवान के समान कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि सब कुछ भगवान से प्रकट हुआ है, और शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के नाम के समान अथवा से स्वतंत्र, स्वतंत्र भी नहीं है, क्योंकि उनकी जो मतलब उसका अस्तित्व है, उसका कारण क्या है, भगवान है। इसे और एक याद भक्ति ठाकुर कहते हैं जैव धर्म में कि इतना याद रखना चाहे कि भगवान का ये सब विस्तार है, भगवान की शक्ति है, देवता जो है भगवान की शक्ति, और देवताओं को भगवान देवता को भगवान ने ये सब कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट सौंपा है, सेवा दिया है, ये सदा हमको याद रखना चाहिए।
तो हम ऐसे दोष से मुक्त हो जाए। इसे शिव जी भी कहते, शिव जी के श्लोक में आता, श्रीरम यथा दधिविकार विशेष योगा संजायते नहीं तत प्रतिगस्त हेतु दूध से दही बनता है लेकिन दही से कभी दूध नहीं बनता। वैसे भगवान से इस समस्त देव देवता प्रकट हुए तो भगवान के समान नहीं है, ये भगवान से प्रकट हुए हैं और भगवान से स्वतंत्र भी नहीं है क्योंकि भगवान की शक्ति है और भगवान के बिना उसका अस्तित्व कोई दूसरा अपराध। तीसरा अपराध गुरुर अवज्ञा, गुरु की अवज्ञा करना है तीसरा अपराध। गुरु दो प्रकार के होते हैं, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। तो गुरु के प्रति विश्वास होना चाहिए कि गुरु जो है वो भगवान का स्वरूप है, भगवान का प्रतिनिधि। हम सुबह सुबह गाते हैं ना कि गुरु की कृपा से भगवान की कृपा होती है, यश प्रसादात भगवत प्रसाद हो यश प्रसादात न गति कुतोपी। गुरु की कृपा के बिना भगवान कभी कृपा कर ही नहीं सकता। इसे गुरु जो है गुरुर अवज्ञा, गुरु की अवज्ञा नहीं करना चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसको सामान्य पुरुष नहीं समझना चाहिए। बाहरी उनके जो आचरण मतलब बाहरी जो शरीर के द्वारा उनको कभी भी सामान्य व्यक्ति नहीं मानना चाहिए क्योंकि वो टॉपिक अलग है, मैं कभी चर्चा करूंगा, लेकिन हमको इतना समझना चाहिए गुरु को सामान्य मानना चाहिए। यश प्रसाद उनकी कृपा के द्वारा एक भगवत प्रसाद भगवान। और याद रखना चाहिए गुरु होता है जो परंपरा के द्वारा, जो भगवान ने चार परंपरा के द्वारा जो गुरु शिष्य परंपरा है उसमें गुरु है वो गुरु प्रतिनिधि होता है भगवान का, लेकिन वो कभी ऐसा नहीं मानते कि मैं भगवान हूं। कभी नहीं। हम सुबह गाते हैं ना मंगलारती, साक्षात हरि त्वेन समस्त शास्त्रेण युक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, समस्त शास्त्र कहते साक्षात हरि है गुरु, लेकिन गुरु क्या कहता है, किंतु प्रभुर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। लेकिन गुरु कहता, फिर भी गुरु कहता नहीं मैं तो एक भगवान का दास, एक गुरु है। ऐसे गुरु को भगवान का प्रतिनिधि मानकर हमको उनके भगवान की जैसे उनकी पूजा करनी चाहिए, कभी उनके गुरु की बात की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। उसके सामने एक ही बात, जी 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 महाराज, जी गुरु जी, जी गुरु जी, कुछ भी कहे जी गुरु। ये जब गुरु प्रसन्न हो जाएंगे इसे कहते गुरु अज्ञा नहीं करनी चाहिए, तीसरा अपराध है। चौथा है श्रुति शास्त्र निंदा, कहते वैदिक शास्त्रों या प्रमाणों का निंदा करना, खंडन करना। वेद पुराण इतिहास भागवतम रामायण महाभारत ये जो शास्त्र है उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, तो शास्त्र ही शास्त्र के द्वारा हम भगवान को जान सकते। और पांचवा कहते हरि नाम निकल्पनम, है ना, हरे कृष्ण नाम की महिमा को काल्पनिक समझना। या कहते हैं कि जो हरि नाम है सभी शास्त्रों में हरि नाम है और उनको कल्पना नहीं समझना चाहिए, ये लोगों ने अपना मंत्र रखा है नहीं। हर शास्त्र में आप देखोगे ना सभी जगह हरि नाम की महिमा है। जैसे चैतन्य महाप्रभु आए थे, लोग कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान हो गए, चैतन्य महाप्रभु भगवान है, उनके शास्त्रों में 140 प्रमाण है सभी ग्रंथों। वैसे ही ये जो भगवान के नाम को काल्पनिक समझता है, काल्पनिक नहीं है क्योंकि समस्त शास्त्रों में छठा है तदार्थवाद, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। कहते हैं कि अतिशयोक्ति, लोग कहते हैं कि तो अतिशयोक्ति है शास्त्र में जो कहा वो अतिशयोक्ति है और अतिशयोक्ति पूर्ण वचन है, उसको बोलते हैं अर्थवाद। तो बोलते हैं कि तदार्थवाद, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप। सातवा है नाम बराद ये सही पाप बुद्धि न विद्यते तस्यमेर ही शुद्धि। कहते नाम के बल पर पाप करना वो अपराध है, नाम के उच्चारण से पाप, पाप की प्रवृत्ति सब नष्ट हो जाता है नाम के द्वारा। लेकिन आप नाम के पता चले कि नाम सब पापों का निवारण है
और हम क्या करते हैं, वही दो नाम है, पाप करते हैं तो पाप को नष्ट करने के लिए नाम लेते हैं, फिर वापस पाप करते हैं वापस नाम लेते हैं, जैसे क्रिश्चियन लोग करते हैं, अब एक हफ्ता पाप करेंगे और संडे को जाएंगे चर्च में और तुरंत वहां जाकर कहेंगे कि मुझे क्षमा करो, क्षमा याचना करके अपने पाप वहां छोड़कर वापस नया खाता चालू करो। ये अपराध है सबसे बड़ा। आप भगवान कृपा कर नाम के द्वारा आपके पाप नष्ट करते हो और आप उसका फायदा उठा रहे हो और वापस पाप करते हो, तो भगवान छोड़ेंगे नहीं, अपराध होगा ये, और अपराध का परिणाम आप सुन ही चुके और आगे भी हम उसके विषय में श्रवण कर। और आठवां है, धर्म व्रत त्याग हुताति सर्व शुभ क्रिया साम्यम अति प्रमाद। कहते हरे कृष्ण महामंत्र जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्मकांड के समान समझ। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कर्मकांड करते शुभ कार्य है उसके जैसे हरि नाम है, शुभ काम या कर्मकांड जो है हमको जो चीज प्रदान करते हैं तो हरि नाम वही प्रदान करेगा, तो उसको इनके साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। किसके शुभ सकाम कर्म के साथ कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए, कोई कंपेयर करता है तो वास्तव में, क्योंकि जो शुभ सकाम कर्म है कर्मकांड है वो तो एकदम निम्न निम्न कार्य है, उसके द्वारा खाली आपको क्या प्राप्त होगा, इस तुच्छ भौतिक जगत की कुछ वस्तु, कम से कम ज्यादा से ज्यादा स्वर्णलोक प्राप्त होगा, तो ये भी भौतिक जगत है। भौतिक जगत की जो भी चीज प्राप्त होते जिस यज्ञ हो भवन से निकृष्ट है, और उनके साथ हम जब हरि नाम को रखते हैं सबसे बड़ा अपराध। और नवमा कहते हैं अशुद्ध धाने शिमुखे भी अक्षुणवती यश्चोपदेश शिवनाम अपराध। कहते हैं कि अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम का महिमा सुनाना अपराध है। जो श्रद्धालु नहीं है, जिसको श्रद्धा नहीं है, तो उसको हरिनाम की महिमा, उसको उपदेश देना, उसको प्रचार करने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी हमारे आचार्य ने ऐसी कृपा की, ऐसे दयालु हैं हमारे आचार्य, हमारे प्रभुपाद जी गुरु जी, ऐसे ऐसे नीच लोगों को जिसको कोई श्रद्धा नहीं फिर भी उनका उद्धार करने के पूरे पूरा प्रयत्न किया। और जगाए मधाए जो हरि नाम लेने को राजी नहीं थे, कोई श्रद्धा नहीं थी, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कहा कि नहीं हम इसको हरि नाम देते, भले अपराध लिखा है, नित्यानंद प्रभु ने प्रयत्न किया और प्रयत्न सफल। तो अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का महिमा सुनाना प्रचार करना अपराध है, लेकिन जो भक्त होते हैं इतने दयालु होते हैं कोमल होते हैं तुरंत चलो कोई बात नहीं प्रयत्न करते हैं, भले श्रद्धालु हैं हो सकता है कि भगवान की कृपा उस पर हो जाए तो प्रयत्न करते हैं। दसवां है श्रुते भी नाम महात्म्ये यह प्रति रहितो नर अहम ममादि पर्वो नामनी सापि अपराध कतः। कहते हैं कि भगवान के नाम में पूर्ण विश्वास न होना तथा उनकी इतने अघात महिमा सुनने पर भी भौतिक विश्वास, इतनी महिमा श्रवण किए फिर भी भगवान के नाम में विश्वास नहीं है, जब इतनी महिमा सुनते फिर भी विश्वास नहीं है भगवान के नाम में तो निश्चित विषय आसक्ति रहेगा, और जब विषय आसक्ति रहेगा तो विषय को भोगने वाला व्यक्ति कभी भी मन से शांत विषय आसक्ति रखने मतलब भोग की इच्छा रखने वाले विषय मतलब जो आंख से देखते हैं रूप कान से श्रवण करते हैं जीवा से रस स्पर्श ये जो हमारा पांच विषय हैं उस विषय को भोग के भोगने के लिए हम लालयित हैं। अगर हम इतनी अगाध महिमा श्रवण करते हैं फिर भगवान के नाम में विश्वास नहीं है अपराध है, इसे हमको बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान के नाम में विश्वास नहीं रखते हैं तो इसकी महिमा इतनी सुनने के बाद भी तो कहते कि अहम ममेति ऐसी ध्यात्म बुद्धि वाले लोगों के समक्ष भगवत नाम कभी प्रकट नहीं होता, विश्वास नहीं है भगवान के नाम में इतना श्रवण करने के बाद भी तो कहते तो क्या रहेगा, तो कहते अहम ममेति मतलब मेरा है उसका है, तो मतलब ये अहंकार रहेगा, वास्तव में हमारा कुछ है ही नहीं, हम
वहम में है कि हमारा कुछ है, हमारा कुछ है ही नहीं, था भी नहीं और रहने वाला भी नहीं है। तो कब कब हमको एहसास होगा ये सब? जब हम भगवान का ध्यान पूर्वक जप करते तब होगा। और भगवान के इतना नाम में पूर्ण विश्वास नहीं होता है और इतनी अगाध महिमा सुनते फिर भी विषय आ सकती चालू नहीं अभी, अहंकार ये मेरा है ये उसका है सब चालू है, निश्चित इसका जो फल है वो विपरीत आएगा। क्या आएगा? तो कहते हैं कि वो उस व्यक्ति में उसके व्यक्ति के सामने कभी भगवान का नाम प्रकट नहीं होगा। पुरुष भाव का त्याग नहीं किया तो कभी भी दिव्य रस की प्राप्ति। पुरुष भाव मतलब मैं स्त्री हूँ, एक पुरुष भाव को छोड़ना चाहिए। हम आत्मा है और आत्मा के नाते हम भगवान के अंश हैं और भगवान की सेवा करना वही जीव का लक्ष्य है। कलयुग में भगवान की सेवा किस भाव रीति से करनी चाहिए? तो कहते हैं कि नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये जो नाम अपराध है उनको उनके लिए दिया गया है जिसको भक्ति में आगे बढ़ना है। नाम लेते समय बहुत सावधान रखना चाहिए। जब हम नाम लेते लेते सावधान नहीं रहते हैं, उसको सामान्य मानते हैं ना, भले हमको पता ना हो, हमने श्रवण नहीं किया है तो पता नहीं है, लेकिन वो पता नहीं है इसका जो परिणाम है हमारे जीवन में बहुत भयंकर होता है। हम जिस वे में जाना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है तो कभी नहीं, जो एहसास होना चाहिए आध्यात्मिक जगत का वो नहीं होगा। जो दिव्यता जो आनंद आना चाहिए भक्ति में वो नहीं होगा, क्योंकि हम जो कलयुग का युग धर्म है जिनको देने के लिए स्वयं भगवान प्रकट हुए है उनको हम ध्यान पूर्वक नहीं ले रहे, तो निश्चित बहुत बड़ा अपराध है और बहुत बड़ा हम साहस कर रहे हैं पतन का। तो जब भी हम जप करें तो कम से कम प्रभुपाद जी ने 16 माला का कहा, 16 माला हम जप करें, 16 माला में ध्यान पूर्वक, नो मोबाइल, कोई चर्चा नहीं, आंख बंद कर सकते तो बेस्ट है। जप कीजिए हरे कृष्ण महामंत्र का, चलते चलते करते हो तो आजू बाजू मत देखिए, नीचे देखकर जप कीजिए। जो भी हम हरे महामंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उसका उच्चारण स्पष्ट और उनका श्रवण कान के द्वारा स्पष्ट रूप से करेंगे तो प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाभाव। जिस तरह से जब वर्षा ऋतु आती है, अभी वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में जब नदियां होती है स्वच्छ हो जाती है, वैसे कोई व्यक्ति भगवान का नाम का उच्चारण करेगा और वही भगवान के पवित्र नाम को कान के द्वारा ग्रहण करेगा, श्रवण करेगा शुद्ध भाव से, तो हृदय उनका शुद्ध हो जाएगा और भगवान की विशेष कृपा हो प्राप्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की।